Hello everyone, I'm Pramod from Indian English Speaking Class Tariyari. So guys, once again, you all are welcome in my channel, Indian English Speaking Class Tariyari. So guys, this is the channel where you all are learning the basic English speaking classes, alright? So, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका आज सातवां दिन कन्वर्सेशन का है. और गाइज, इस दौरान जो कन्वर्सेशन मैं आपको दे रहा हूँ विशेष रूप से, यह बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना ही चाहिए. और यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, तो आप मेरे वीडियो पीछे के अपलोडेड हैं, उसके द्वारा आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख सकते हैं. और ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो बिल्कुल बेसिक के हैं. और एक अच्छा स्पीकर अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन आंसर आपको पहले आना चाहिए. अगर ये बेसिक क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आते, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे ढंग की इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. क्योंकि इंग्लिश को जब भी सीखा जा सकता है, तो उसके बेसिक से ही सीखा जा सकता है. गाइस, बार बार बेसिक की बात करी जाती है. बेसिक का मतलब जो शुरुआती की चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो यही है. ठीक, तो इसके पहले भी वीडियो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप शुरू से क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे. और एक क्वेश्चन के आप 9 प्रकार के आंसर दे सकते हैं. आज हम आपको लगभग 15 क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस कन्वर्सेशन में. और इस 15 क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन आंसर खुद से बना सकते हैं. और जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप वैसा कर लेते हैं, तो घर बैठे बैठे आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो ये देखिए, आज पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज दिस. आज मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ हु का प्रयोग करके और व्हाट का प्रयोग करके. कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर यूज करके हम बातचीत करते हैं. रोज़ की तरह मैंने किसी का भी हिंदी नहीं लिखा है, लेकिन मैं हिंदी सबका बताऊंगा. जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना. और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप सारे वीडियो देख सकें. और बेल आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आपको डेली मेरा वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए. ठीक, तो गाइज, ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु इज़ दिस. मान लो आप कहीं पे हैं और बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे कुछ जान पहचान एक दूसरे से कराई जा रही है, और आपके फादर पिताजी कहीं पे खड़े हैं, तो पूछा कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा हु इज़ दिस, यह कौन है. आपने कहा दिस इज़ माई फादर. दिस का मतलब यह, इशारा करते हुए आप कहेंगे यह मेरे पिताजी हैं. ऑलराइट, बात को समझिएगा. अभी अगर आप समझ गए, तो इससे आप हजारों क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, आंसर भी बना सकते हैं. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन है, हमने थोड़ा चेंज कर दिया, हु इज दैट. मान लो व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा है और आपसे पूछ दिया गया कि वह कौन है, हु इज दैट. आपने आंसर दिया दैट इज माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं. दैट इज माई अंकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज दिस. कोई चीज पास में है, किसी ने आपसे पूछा कि वट इज दिस, यह क्या है. आपने कहा दिस इज पोटैटो, यह आलू है. राइट, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा और आपने कहा दिस इज पोटैटो, यह आलू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, दूर की वस्तु है. किसी ने पूछा व्हाट इज दैट, वह क्या है. आपने कहा दैट इज ए बैट, वह एक बल्ला है, या फिर वह एक बैट है. बैट मतलब जो क्रिकेट खेलने वाला होता है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सी. मान लो कोई औरत खड़ी हुई है या कोई लड़की खड़ी है, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई हु इज सी, वह कौन है. आपने कहा सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है. सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज योर ब्रदर. मान लो कई लोग खड़े हुए हैं और उसमें आपका भाई भी खड़ा है. सामने वाले ने पूछा कि हु इज योर ब्रदर. आपने कहा दैट इज माई ब्रदर. आपने इशारा करते हुए कहा, उंगली का इशारा करते हुए कहा दैट इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. मेरा भाई वह है, या फिर वह मेरा भाई है. दैट इज माई ब्रदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दे. अभी यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए जब बात हो रही थी, तो हमने हु के साथ में इज लगाया, व्हाट के साथ में इज लगाया. अब कई व्यक्तियों की बात हो रही है, तो व्हाट और हु के साथ में हम आर लगाएंगे. सीख लीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो हमने पूछा हु आर दे. बहुत सारे लोग खड़े हैं, पूछा गया वे कौन हैं, हु आर दे. आपने कहा दे आर द प्लेयर्स. मान लो वो खिलाड़ी हैं, आपने कहा वे खिलाड़ी हैं. दे आर द प्लेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, हु आर दोज. कोई चीज़ें हैं, दूर हैं, और वो भी व्यक्ति हैं, तो पूछा गया हु आर दोज, वो कौन है भाई. तो आपने कहा दोज आर रिलेटिव्स, वो रिश्तेदार हैं. वो दूर खड़े हैं या बैठे हैं, किसी ने पूछा कि हु आर दोज, वो कौन है. आपने कहा दोज आर रिलेटिव्स, वो रिश्तेदार हैं, वे संबंधी हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दीज. यहाँ कोई चीज़ है.
वट आर दिस, तो इसका क्वेश्चन हुआ ये क्या है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पूछा गया ये क्या है, आपने कहा देज आर पेंस, मान लो वो कलमे हैं, तो आपने कहा ये कलमे हैं, देज आर पेंस, ये कलमे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाट आर दोज, दूर कोई चीज़ है, पूछा गया वाट आर दोज, वह क्या है या फिर वो क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन में पूछा जा रहा है, वाट आर दोज वो क्या है, आपने कहा दोज आर राइस, वो चावल हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर्स, मान लो कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं कहीं पे, सामने वाले ने पूछा कि इसमें से आपका कौन है, विच इज योर्स, तुम्हारा कौन है, आपने कहा दैट इज माइन, मेरा वह है या फिर वह मेरा है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा लंबा टाइप में कि विच आर द बुक्स, मान लो कहीं भी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और किसी ने आपसे पूछ दिया व्हाट आर विच आर बुक्स, कौन सी किताबें हैं, आपने कहा देज आर द बुक्स, ये सारी किताबें हैं। मान लो बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे पड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, और आपसे पूछा कि कौन सी किताबें भाई जो मुझे लेना है, तो उसने डायरेक्टली आपसे पूछ दिया कि विच आर द बुक्स, आपने कहा देज आर द बुक्स, ये किताबें हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा, अभी तो हम छोटे छोटे सीख रहे हैं, आगे चल करके जब ये छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स आप जान जाएंगे तो बड़े जो क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इनको समझना अति आवश्यक है, ठीक। तो क्वेश्चन है विच क्लास स्टूडेंट्स आर देज, मान लो कहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी खड़े या बैठे हुए हैं और किसी ने पूछा विच क्लास स्टूडेंट्स आर देज, ये कौन से क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आपने कहा देज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास सेवन, ये विद्यार्थी क्लास सेवन से हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आइटम्स, मान लो कहीं पे बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं और किसी ने आपसे पूछा कि क्या आइटम्स हैं भाई, व्हाट आर द आइटम्स, आइटम्स क्या हैं, आपने कहा देयर आर मेनी आइटम्स, कई आइटम्स हैं, आपने कहा कई आइटम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, हु इज द ऑनर, मालिक कौन है, ऑनर का मतलब मालिक, हु इज द ऑनर, मालिक कौन है, आपने कहा मिस्टर सेन इज़ द ऑनर, मिस्टर सेन मालिक हैं, ऑलराइट। सो गाइज यहाँ तक जो क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया ये तो आपको याद करना अति आवश्यक है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो इसको नोट करें और याद करें, बहुत अति आवश्यक है, और बाद में इसमें जितने भी वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं आता उसके नीचे अंडरलाइन करिए, वर्ड मीनिंग यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे मान लो आपको ऑनर का हिंदी नहीं आता तो ऑनर के नीचे आप एक छोटा सा पेंसिल लेकर निशान लगाइए, ठीक है, और पेंसिल लेकर इसके सामने जो है आप इसका हिंदी लिख लो मालिक, ठीक है, आप इसके सामने क्या करेंगे मालिक लिख लिए, ठीक है। ऐसे में आप आगे भी कहीं भी कोई भी वर्ड से, जैसे मान लो राइस का हिंदी नहीं आ रहा, आप यहाँ पर निशान लगा लो, यहाँ पर लिख लो आप क्या भाई चावल, चावल हो गया, ठीक। तो ऐसे में जो भी वर्ड्स इसमें से नहीं आ रहा है आपको उन सारे के नीचे अंडरलाइन करके उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे राइट करके वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप अपनी वर्ड मीनिंग भी बढ़ा सकते हैं और साथ में इन बेसिक क्वेश्चन आंसर को भी याद कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि हम इन सारे क्वेश्चन आंसर से और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कैसे बना सकते हैं, आइए इसे देखते हैं, ओके। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि हु इज दिस, यह कौन है, हु इज दिस, राइट ना। अभी हमें कहना है कि वह कौन है, तो हमने हु इज वही रहने देना, दिस की जगह दैट लगा लिया, हो गया चेंज, वह कौन है, राइट ना। अभी आपका यही क्वेश्चन है और हमें थोड़ा सा बदलना है ना, कि वह कौन सा आइटम है, राइट ना। तो यहाँ पे हमने विच लगा लिया, कौन सी की अंग्रेजी यहाँ पे बदल दिया, तो विच इज दैट आइटम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आंसर में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बोला गया दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी हैं, अगर आपको कहना हो कि यह मेरे चाचा जी हैं तो दिस इज माई अंकल, अगर आपको कहना हो कि यह मेरे माता जी हैं तो दिस इज माई मदर, राइट। तो गाइज बस इतना ही करने से आप चेंज कर सकते हैं, राइट ना, जैसे हु इज़ दिस या फिर हु इज़ दैट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बस ऐसे ही सेम टू सेम आगे भी चेंज किया जा सकता है, राइट ना। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिव किया कि व्हाट इज़ दैट, हमने कहा व्हाट इज दैट, वह क्या है, आपने कहा दैट इज़ अ बैट, अब हम कुछ चेंज कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट की जगह हम कह सकते हैं व्हाट इज़ दिस,
है ना, चेंज कर सकते हैं। इस शब्द को चेंज कर लिया हमने, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इज को आर लगा सकते हैं और यहाँ पे दैट को देज लगा सकते हैं। जैसे व्हाट आर देज, अब मतलब बदल जाएगा कि वे क्या हैं, समझ रहे हैं नहीं? कहने का मतलब जैसे लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एग्जांपल, व्हाट इज़ दैट को अगर हम चेंज करना चाहें तो सब कुछ वही रहेगा। अब हमने कहा व्हाट आर देज, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो है देखो वही है ना, सेम टू सेम चीज़ें, व्हाट वही है, इज की जगह हमने आर लगा दिया, दैट की जगह हमने देज लगा दिया, तो ये इसका मतलब था कि व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। अब यहाँ पे हो गया व्हाट आर देज, ये क्या है, मतलब यहाँ पे बदल गया, याद रखिएगा। कहने का मतलब एक सेंटेंस आपने सीख लिया तो उसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से बना सकते हैं। मैं एक दो करके आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, 1000-1500 क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखाया जा सकता ना पढ़ाया जा सकता है, राइट। लेकिन एक दो चार एग्जांपल से इसको सीखा जा सकता है, जिसके द्वारा आप हजारों क्वेश्चन आंसर खुद से बनाना सीख सकते हैं। तो गाइज यह वह ट्रिक है जिसके द्वारा आप शब्दों को चेंज करके बड़े आसानी से तरह तरह के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, अगर आप मेरी ट्रिक को पकड़ लेते हैं तो। तो गाइज इस बात को याद रखिए, यही ट्रिक है जिसके द्वारा अंग्रेजी को अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है और कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। भले आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे सारे वीडियो देखिए और विश्वास करिए कुछ दिनों तक ऐसा चलकर देखिए, 100% गारंटी के साथ में ये सारी चीज़ें आपको खुद से करने आ जाएगा थोड़ा ही दिनों के बाद में। लेकिन सबसे पहले जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करें, पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद करें, फिर आप धीरे धीरे चलें, 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दैट गाइज यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टीच यू हाउ टू स्पीक एनी अदर थिंग्स ऑन द स्पीच, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइज। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।